हमारा समर्पण ट्रस्ट के जागरूकता अभियान में हम बात करने जा रहे हैं कानों में आवाज़ आना, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में टिनिटस, TINNITUS, टिनिटस। टिनिटस में क्या होता है, बजिंग साउंड्स आते हैं, बजिंग साउंड्स आते हैं कान के अंदर। ये सारे साउंड्स बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये अंदर ही सुनाई दे रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि ये कब शुरू हुए, ये कब आते हैं, दिन भर आते हैं, ये रात में ज़्यादा आते हैं, दिन में कम आते हैं, एक कान में आते हैं। अगर एक कान में आते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने विशेषज्ञ को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कानों में बजिंग जो आ रही है उसके साथ में कोई विजुअल प्रॉब्लम तो नहीं है, आँखों में समस्या तो नहीं है, या आपके बैलेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपके कान में सुनाई कम तो नहीं दे रहा है। इन सब को आपने देखना है और नोट करना है। ये कई तरह की प्रॉब्लम्स के कारण हो सकते हैं। या तो आपका एक्सपोजर हुआ है लाउड नॉइस, बहुत ही तेज़ आवाज़ नॉइस से आपका एक्सपोजर हुआ है, या तो ये एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मिनियर डिजीज़, उसके कारण हो सकती है। ये एक कान नाक गले की प्रॉब्लम है, और या तो ये हो सकती है किसी इंजरी के कारण, या हो सकती है कोई ऐसी दवाई के कारण जिसके कारण आपको कान में खराबी आ सकती है, जिसको हम कहते हैं ओटोटॉक्सिक ड्रग्स। ये जो आवाज़ अंदर से आ रही है ये कई बारी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों आ रही है, ये क्यों आती जा रही है, बंद क्यों नहीं हो रही है। तो इसके लिए अगर कान में आवाज़ दोनों कानों में आ रही है तो इसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अपने विशेषज्ञ के पास जाइए, आपके विशेषज्ञ आपके कुछ टेस्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं कान में झांक के देखना एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ओटोस्कोप। तो ओटोस्कोपी करेंगे, कुछ स्पीच टेस्ट करेंगे, कुछ हमारे जो फेस है उसके नसों का एग्जामिनेशन करेंगे, और उसके द्वारा वो पता लगाएंगे कि ये क्या हो सकता है। अगर ये आवाज़ एक कान में ही आ रही है तो आपके विशेषज्ञ आपका ब्रेन MRI भी करा सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो ट्यूमर, जिसको हम कहते हैं अकूस्टिक न्यूरोमा तो नहीं है, उसको देखने के लिए आपके विशेषज्ञ आपका फर्दर टेस्टिंग भी करा सकते हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि ये कानों में से जो आवाज़ आ रही है ये लोगों को दिन से ज़्यादा रात में ज़्यादा परेशान करती है। जब बहुत क्वाइट हो जाता है, बहुत सन्नाटा रहता है, तब आपको ज़्यादा परेशान करती है। तो आपसे यही कहना है कि आप थोड़ा सा इसके, अगर बार बार ये प्रॉब्लम कर रही हैं और कुछ विशेषज्ञों ने कुछ निकाला नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका जो इलाज है वो बहुत ही मुश्किल है। हालांकि ये एक टेम्प्ररी बीमारी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको इसके साथ रहना या जीना सीखना पड़ेगा। अगर रात में ये परेशान कर रही है तो आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए या तो खिड़की खोल के सोएं कि कुछ बाहर से आवाज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करें, तो आपका ध्यान जो कान के अंदर आवाज़ आ रही है उसके अंदर ना जाए, या कुछ भी छोटा सा म्यूज़िक लगा सकते हैं, या कुछ और टीवी चला सकते हैं जिससे आपका ध्यान जो है डिस्ट्रैक्टेड रहे। तो धीरे धीरे आप इससे यूज्ड हो जाएंगे और धीरे धीरे ये ख़त्म भी हो जाएगी। पर अपने विशेषज्ञ से सलाह लेते रहें और विशेषज्ञ जैसा आपको बोलें उसी तरह से इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहें, या फिर उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट करवाएं। धन्यवाद।